नागरिकों को पासपोर्ट संबंधी सभी सेवाएं शीघ्र, सुविधाजनक और पारदर्शी तरीके से प्रदान करना है। इसी योजना के तहत चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा आज एम पासपोर्ट एप्लीकेशन का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया जाएगा। मैं आप सबों का चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। सबसे पहले मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि चंडीगढ़ पुलिस ने हाल के दिनों में एक मुहिम चलाई थी, जिसमें हमने ये प्रयास किया है कि जितनी हमारी पुलिस सर्विसेज हैं सबको डिजिटाइज किया जाए। और साथ में आज जो एक भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के द्वारा एम पासपोर्ट ऐप, जिसका यहाँ पे आज हम उसको क्रियान्वित करने जा रहे हैं, जिसका विधिवत इनॉग्रेशन हमारे मुख्य अतिथि के कर कमलों द्वारा होना है, हमारे योगदान की सराहना में हमें कुछ अनुदान राशि भी देता है पर पासपोर्ट। अगर हमने 15 दिन में किसी भी पासपोर्ट के वेरिफिकेशन को पूरा किया सर, तो उसके लिए 150 रुपये पुलिस को उसकी सेवा प्रदान करने के लिए दिए जाते हैं जो विद इन टाइम लिमिट। और मुझे ये बताते हुए सर ये बहुत खुशी है कि चंडीगढ़ में सर 100% पासपोर्ट हम इस लिमिट के अंदर में कर देते हैं। 15 दिन के अंदर हम लोगों ने अभी हाल फिलहाल में जो निर्णय लिया है, 700 पुलिस कांस्टेबल चंडीगढ़ पुलिस रिक्रूट करने जा रही है, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। और साथ ही साथ कल हमने 44 पोस्ट जो हमारे ASI के थे उसको भी एडवर्टाइज कर दिया है। तो अब हमारे पास इंक्वायरी ऑफिसर्स और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स की संख्या में जो कमी थी उसको पूरा करने में हमें मदद मिलेगी। पुलिस सेवा जिसके माध्यम से पासपोर्ट बनवाने में लगने वाले दस्तावेजों की उलझन तथा पुलिस द्वारा किए जाने वाले सत्यापन में देरी को दरकिनार करते हुए माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के दिशा निर्देशानुसार चंडीगढ़ पुलिस के इस नवोदित प्रयास से पासपोर्ट सत्यापन की प्रक्रिया अब और भी द्रुत व दुरुस्त हो जाएगी और सत्यापन में लगने वाला 15 दिन का समय ज्यादा से ज्यादा महज 5 दिन रह जाएगा। एम पासपोर्ट पुलिस के माध्यम से सत्यापन अधिकारी आवेदक के घर से ही सीधे सत्यापन रिपोर्ट तैयार कर सकेंगे। यहां तक कि GPS व जियो टैग सेवा के चलते सत्यापन अधिकारी पर भी आवेदक के घर पर तुरंत जाना अनिवार्य होगा। यही नहीं, 100% सुरक्षित डिजिटल प्रणाली से डेटा का भंडारण सदैव सुरक्षित रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी टाइम्स मीडिया, मैं हूं प्रिंस गर्ग। चंडीगढ़ को भले ही आज स्मार्ट सिटी और ब्यूटीफुल सिटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज कुछ ऐसा काम चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा किया गया है जो वो काम चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी को 4 चांद और लगा देगा। आइए पूरी जानकारी जानते हैं। आज हमारे साथ चंडीगढ़ के DGP प्रवीण रंजन जी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। आइए बातचीत करते हैं प्रवीण रंजन से। देखिए, जो हम लोगों के पिछले कई दिनों के जो प्रयास चल रहे हैं चंडीगढ़ पुलिस में कि हम अपनी सारी सुविधाओं को ऑनलाइन प्रदान करना चाहते हैं, उसके तहत में हम लोगों ने आज जो 4 सर्विसेज और ऐड की हैं, इससे हमें ये यकीन है कि जो चंडीगढ़ की जनता है उसको काफ़ी सहूलियत होगी, हमारी वर्किंग भी काफ़ी ट्रांसपेरेंट होगी, एक अकाउंटेबिलिटी भी बनती है हमारी कि हमको इतने दिनों के अंदर में अपने सारे वेरिफिकेशन रिपोर्ट सबमिट करने हैं। तो कुल मिला जुला करके मैं ये कहूँगा कि हमारे पुलिस वर्किंग को एफिशिएंट बनाने का, ट्रांसपेरेंट बनाने का, करप्शन फ्री करने का ये एक माध्यम है और इसमें टेक्नोलॉजी का हमने सहारा लिया है। सर, जो लोग हैं चंडीगढ़ प्रशासन के यहाँ पे साथ देते हैं हर काम के लिए, अगर उनको इसके बावजूद भी कोई दिक्कत आती है तो उस चीज़ को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? वो हमेशा आप जो कंसर्न ऑफिसर हैं उसको अप्रोच कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको अभी बताया, हम एक समावेश नाम का प्रोग्राम चला रहे हैं जिसके अंदर हमने सिटीजन सर्विसेज सेंटर हर थानों में इस्टेब्लिश करने का निर्णय लिया है। कई थानों में तैयार हो चुका है, 26 में ऑलरेडी चल रहा है, तो वहाँ भी जा करके वो अपनी इस सुविधा को प्राप्त कर सकते हैं अगर उनको किसी तरह की दिक्कत ऑनलाइन में आती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ चंडीगढ़ DGP प्रवीण रंजन मौजूद थे, जिन्होंने आज चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा एम पासपोर्ट ऐप लॉन्च किया गया और कुछ सुविधाएं भी लॉन्च की गई हैं। जो सर्विसेज है 11 सर्विसेज ऑलरेडी चल रही हैं और 4 सर्विसेज आज जो लॉन्च नहीं की गई हैं। तो हमारे साथ ये DGP प्रवीण रंजन जी से, मैं प्रिंस गर्ग कैमरामैन अमित के साथ चंडीगढ़।